हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से रैबिट में हम खुद का टेम्पलेट बनाते हैं। हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स पहले से होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर देयर आर फोर डिफरेंट टेम्पलेट्स, बट सपोज आपके पास टेम्पलेट है नहीं, क्योंकि हम कई इंटरव्यूज में जाते हैं वहाँ पे लोग नन करके देते हैं हमें और ओके कर देते हैं। ऐसे केस में हमको कैसे बनाना है टेम्पलेट्स, वो हम लोग आज देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। यू कैन सी हियर, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, ये पूछ रहा है कि इम्पीरिकल या मैट्रिक। इम्पीरिकल मीन्स फीट इंचेस एंड मैट्रिक मीन्स मीटर। इफ यू वांट इन मीटर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट, अदरवाइज फीट इंच। जैसे मैंने कि यहाँ पे फीट इंच ले लिया। नाउ आफ्टर दिस जस्ट ड्रॉ योर वॉल या वट एवर योर प्लान, एंड उसकी हाइट कितनी चाहिए मैं पिछले वीडियोज में डिस्कस किया हूँ इसके बारे में, कैसे इस पे वो ड्रॉ करते हैं। जस्ट ड्रॉ रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करके ही टेम्पलेट बनाना है, उसको मैं बताऊंगा क्यों अभी थोड़ी देर में। देखिए जैसे हमने कर दिया, और इसके बाद जस्ट गो टू व्यू एंड यू कैन सी हियर एलिवेशन, एंड अभी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यू कैन जस्ट क्लिक ओके। हम इसके सराउंडिंग्स में एलिवेशन के टेम्पलेट्स तैयार कर दिए। नाउ अगर मुझे इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, तो यू कैन लोड अनदर टेम्पलेट्स फॉर दिस। सी जस्ट गो टू इंसर्ट एंड देन यहाँ पे जाके जस्ट गो टू लोड फैमिली एंड देन देयर इज एनोटेशन। ओके, इफ यू डोंट हैव पाथ यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड सी माय पाथ, सी डेस्कटॉप प्रोग्राम डाटा एंड प्रोग्राम डाटा ऑटोडेस्क, देन आरबीटी 2016 लाइब्रेरी यूएस एम्पिरिकल, दिस इज द पाथ हियर एनोटेशंस। Now you can just see here which one you want maximum we use elevation this one. Okay, तो हमने वहाँ से download कर लिया, उसको load कर लिया। You want to put here, उसके लिए आप just select this one and then go to edit type, and यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो आपको वो जो option है वो यहाँ पे available हो जाएगा। Just click here and see, this is filled arrow and name view। यही हमने वहाँ पे okay किया था, हमने आप ले लिया और apply किया, You got your templates। हमने इस तरह से अपने टेम्पलेट पा लिए। और हाँ, इसको बताने से पहले मैंने आपको क्या बोला था कि पहले इसको बना के फिर ही इसको लगाना है, उसका रीजन क्यों बताता हूँ मैं आपको। जैसे क्लिक करके मैंने अभी अगर नो कर दिया और मैं अगर फिर से रिवाइज करता हूँ अपने टॉपिक को, जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंड इफ यू क्लिक नॉन, एंड क्योंकि बहुत से बच्चों को समस्या आती है इसमें इम्पीरियल। और आपने सोचा कि हम डायरेक्ट जाएंगे व्यू पे और यहाँ से एलिवेशन लेंगे, और एलिवेशन लेके अगर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जैसे कुछ मिलेगा यहाँ पे, जैसे क्लिक किया और ये देखिए जैसे क्लिक किया, आप देखिए इसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, राइट। जब इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा तो हमें टेम्पलेट बनाने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। सो टेम्पलेट बनाने के लिए हमें डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, तो हमने डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या बनाया था, पहले रेक्टेंगल बनाया था और रेक्टेंगल बनाने के बाद ही हम लोग टेम्पलेट को लोड किए थे। Just click here and a non okay empirical, just click here door or wall and just click rectangle and draw like that। और इसके बाद आप जैसे देखेंगे तो आपका टेम्पलेट अपने आप उसको डायरेक्शन समझ आने लगेगा। सो एलिवेशन के लिए आपको कोई भी चीज ड्रॉ करके जरूर रखना है, ठीक है। बहुत से लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, उनको लगेगा बन क्यों नहीं रहा, उसका न बनने का रीजन ये है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको लोड करने के लिए अगेन गो टू इंसर्ट एंड देन देयर इज अ लोड फैमिली एनोटेशन, एंड यहाँ से अभी जैसे कि आपको अगर पता है तो आप तुरंत यहाँ से भूल जाएंगे और बहुत ही जल्दी, इसलिए आप इसको ओपन करेंगे एंड जस्ट सेलेक्ट एनिमेशन एंड देन एडिट टाइप एंड जस्ट क्लिक हियर एंड व्हिच वन इज योर यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन गेट फ्रॉम हियर अप्लाई ओके एंड आपने पा लिया। ओके, तो होप आपको समझ में आएगा टेम्पलेट किस तरह से लगाते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे जो जाते हैं तो यहाँ पे एलिवेशन पे देखेंगे तो ये चीज़ें हमें कैसे दिख रही है। हमें इस तरह से दिख रहा है, अगर इसका रियलिस्टिक भी देखें तो ये हमें इस तरह से दिख रहा है। और इसका क्रॉप एरिया है ये, दिस एरिया यू कैन एडिट फ्रॉम हियर, लाइक इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं, कितना भी आपको एरिया चाहिए उतना एरिया आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे एलिवेशन ड्रॉ करना है, लेवल्स ड्रॉ करने, आर्किटेक्चर पे जाके यहाँ पे लेवल लीजिए और लेवल लेके और फर्स्ट लेवल आपने यहाँ से लिया और यहाँ पे ले लिया, ओके। और इस लेवल
कि हाइट जो रखनी है वो यू कैन डिसाइड फ्रॉम हियर। अब देखिए 0 पर हमने हाइट रखी है। इसके बाद दूसरा लेवल अगर आपको चाहिए तो जस्ट क्लिक लेवल एंड कितने फीट पे चाहिए, सपोज अराउंड 10 फीट और जितने भी फीट पे आपको चाहिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे एडिट करिए। सपोज 10 फीट जस्ट क्लिक किया 10 फीट एंटर, तो हम इस तरह से इसको एडिट कर सकते हैं। और अपने वॉल की भी हमें अगर हाइट चेंज करनी है तो भी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके 20 फीट की जगह पे 10 फीट या आपको जो भी डिस्टेंस चाहिए वो डिस्टेंस यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पर जैसे अप्लाई करेंगे तो यू गेट दैट रिजल्ट कि आपकी वॉल जो है 10 फीट पे आ गई। इस तरह से हम लोग डिफरेंट और इसके बारे में देखेंगे, लाइक ग्रिड के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एलिवेशन के बारे में और भी डीप में समझेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू कमेंट्स, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके दूंगा। और अगर आप लोग लाइक करते जाएंगे तो डेफिनेटली मैं हर एक टॉपिक्स पे वीडियोज तैयार करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।